बताएं आपने क्या बनाया? साउथ इंडियन डिश, इडली, डोसा, चटनी, कोकोनट चटनी। ये इडली के साथ आप सर्व करते हैं? सांबार एंड चटनी। सांबार क्या है? अच्छा, इसको सांबार बोलते हैं। ठीक है, टमाटो चटनी, ये भी इसी के साथ। अच्छा, इडली के साथ आप क्या सर्व करते हैं? इसके अलावा सिर्फ इडली, चटनी, सांबार। अच्छा, डोसा, टाइप चटनी। अच्छा, डोसा, सांबार एंड चटनी, सेम। अब आप बताएं, आप बनाना फ्राई इंडिया से। अच्छा, बनाना फ्राई। हाँ, और इसको मतलब केचप के साथ और सॉस के साथ सर्व करते हैं। चिकन कटलेट। ठीक है, पराठे सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक और कलरफुल वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तानी कल्चर को यूएई में रिप्रेजेंट किया गया एक फ़न फेयर पे, और मेरी फैमिली इसमें इनवाइटेड थी। तो स्टार्ट हमने इसी से लिया। सबसे हैरानगी वाली बात ये थी कि अमल आराम से बैठी हुई थी, और जो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अमल किसी भी एक्टिविटीज़ में जाती है तो कभी भी उसको ये कलर्स वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने हैंड पेंटिंग या इस तरह का स्टफ उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो बड़े आराम से टिके ही और बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी इन पाकिस्तानी बहन ने इनको बड़ा अच्छे से मेहंदी लगाई, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन था। और अमल भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि फ़ॉर द फर्स्ट टाइम उसने कोई तरीके से इस तरह से लगाई थी। रिदा ऑफल नहीं उसको लगाती रहती है ईद पे, ये जब भी कोई इस तरह का फंक्शन। से थैंक यू, से थैंक यू मैम, से थैंक यू मैम। इसकी चेन चाहिए। वैसे तो यूएई में जो भी इवेंट होता है वो बहुत स्पेशल होता है, लेकिन जब भी कभी अपने कल्चर की बात आती है, अपने लैंडमार्क की बात आती है, या जब भी कभी हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बहुत खुशी होती है और देख के दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी, और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन था, क्योंकि ये थोड़ी अमल से बड़ी हैं तो इसलिए थोड़ी देर टिक भी गई, लेकिन शुक्र है कि अमल ने एक हाथ पे लगा ली, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इस फन फेयर में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तानी फूड थे, स्वीट्स थी, और इसी तरह से ये मीठा पान था, जो कि ये हमारी सिस्टर ने ख़ुद बनाया था, सेल्फ मेड था इनका। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो कि खैर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि जितनी भी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या जितनी भी कोई खुशी के मौके होते हैं तो उस पर लगती रहती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोफेशनली भी और डिफरेंट रूटीन में भी हम लोग इतने बिज़ी होते हैं कि सम ईद के ईद ही हमें इस बात का मौका मिलता है या अमल की बर्थडे पर कि हम इस तरह की चीज़ें भी सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे अमल को मेहंदी लग रही है और माशाल्लाह आराम से टिकी हुई थी, और मैं इंजॉय कर रही थी कि अमल किस तरह से आराम से बैठी है, लेकिन वो आराम से इसलिए बैठी थी क्योंकि साथ अदील खड़े थे, क्योंकि अदील साथ होते हैं तो एटलीस्ट वो कभी भी पैनिक नहीं करती और वो कभी रोना धोना नहीं मचाती, तो इसीलिए फिर वो उसके साथ खड़े थे कि एटलीस्ट जो है वो इस मकसद में कामयाब हो सकें और अमल मेहंदी का ये जो है ना एडवेंचर पूरा होने दे। ये हमारे लिए एडवेंचर ही था। अमल कम सी बबल बबल अमल 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 सी बबल 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 बबल
जो काम अदील ने करना होता है वो तो अमल फ़र्ज़ समझ के करती है। तो उन्होंने ज़रा सा पेज आगे किया था बबल्स के, तो अमल ने भी फिर वही काम किया कि उसने पेपर से उनको रोकने की कोशिश की। तो अपने तौर पे खैर वो बड़ा इन्जॉय कर रही थी और माशाल्लाह फाइनली ये एक बहुत प्यारा सा यूनियन था। ये मदर और इनकी डॉटर दोनों जो हैं यहाँ पे ओपन फ्रायर में चिप्स फ्राई कर रही थी, फ्रेंच फ्राइज़, और साथ वो टी सर्व कर रही थी, और इसी तरह से कुछ उनके पास और चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब हर बंदा जो है अपने लिहाज से बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा था। और फ्रेंच फ्राइज़ तो ऐसी चीज़ है कि वो बच्चों बड़ों सब में ही इतनी मकबूल होती है कि हर बंदा ही शौक़ से खाता है। तो ये काफ़ी बिज़ी थी और इनकी बेटी भी इनका हाथ बटा रही थी। फ़ौरन से अकेले में इतना अच्छा सर्व करना, सो हैट्स ऑफ टू दिस लेडी कि बहुत अच्छे से ही कर रही थी, मैनेज कर रही थी सारा। आपको साथ साथ बताती चलूं कि विदाउट इंटेंशन कभी एक पिक्चर भी आप किसी की ले नहीं सकते। तो मैंने इन लेडी का या जिन की वीडियो बनाई थी या शॉर्ट्स बनाए थे तो सब ने परमिशन दी थी। अमल को जब मैंने ये बताया कि मैं आपको स्कूल लेके जा रही हूँ, खैर डेली जब भी मैं जाती हूँ तो मॉर्निंग में अमल का यही होता है कि मुझे भी आपके साथ स्कूल ही जाना है, लेकिन यहाँ पे आप कभी भी 3.5 से कम बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ते हैं तो नर्सरी में छोड़ सकते हैं। तो मैंने प्रेफर किया कि जब अमल की एज पूरी हो जाएगी एडमिशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो फिर मैं उसका तब ये एडमिशन करवाऊँगी। अभी ये जो पार्ट था ये गेम्स वाला पार्ट था, वो यहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ ही नज़र आ रहे थे गेम्स वगैरह। अमल लुक एट मी, अमल जैसे ही सॉल्व करना शुरू कर, जिस तरह से वो एक्टिविटीज़ घर पे करती है तो उसने वहीं पे किया। ये थोड़ा फ़नी पार्ट था, स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और अमल भी जाके स्टेज पे जो है स्टार्ट हो गई जल्दी कर, तो मैंने बड़ी मुश्किल से बार बार जा रही थी। अमल ने भी एक्चुअली मौके का फ़ायदा उठाया, उसने जब ये देखा कि मैं और अदील एक फैमिली के साथ खड़े हुए थे बात कर रहे थे, तो अमल को बड़ी मुश्किल से मैं स्टेज से उतार के लाई कि नहीं बेटा ये आपके लिए नहीं है। तो लेकिन अमल बार बार जा रही थी और वो बड़ी पोलाइटली से इस पार्ट में उन्होंने जस्ट लकी ड्रॉ के लिए रखा हुआ था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अपना नाम लिख के इसमें डाल दें। तो चलिए आज के वीलॉग का मैं यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। ये वीलॉग 2 पार्ट्स में है और पार्ट 1 मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ कल हाज़िर होंगे। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुबई के बारे में या यूएई के बारे में तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको मेरी वीडियो फ्री में सबसे पहले देखने को मिलेगी। बहुत सी दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। कल मीना बाज़ार पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगी। अभी के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।